नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 1840 के 1 रुपये की सही कीमत क्या है और इसकी क्या पहचान है और ये किस मेटल में आता है। तो देखते रहें आज की वीडियो। दोस्तों, अगर जैसा आप देख पा रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1840 का 1 रुपया है। अगर मैं इसको पलटता हूँ तो देखिए दोस्तों, इसके बैक साइड में विक्टोरिया क्वीन की पिक्चर आती है। ये सिक्के 1840 में बनने चालू हुए। इसके अंदर दोस्तों दो तरह के सिक्के आते हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला सिक्का, तो ये देखिए, इसका जो बैक साइड है वो डिफरेंट है इस सिक्के से। अगर हम कंपैरिजन करते हैं इस सिक्के और इस सिक्के में, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इसकी बैक साइड अलग है और इसकी बैक साइड अलग है। दोनों ही विक्टोरिया हैं। इस सिक्के को हम बोलते हैं कंटिन्यूस लीजेंड, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। विक्टोरिया क्वीन जो लिखा हुआ है, कंटिन्यूस लीजेंड इसे बोला गया। ये है डिवाइडेड लीजेंड। लीजेंड का मतलब है जो लिखा हुआ है ये डिवाइडेड है, ये दोनों अलग अलग है, तो इसको डिवाइडेड लीजेंड बोला गया और इसको कंटिन्यूस लीजेंड बोला गया, क्योंकि ये विक्टोरिया और क्वीन जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल पास पास लिखा हुआ है और इसके अंदर मैच्योर हेड है। इसका हेड भी अलग है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इसकी जो सिक्का है ये 11.5 ग्राम 11.66 ग्राम के आसपास होता है। दूसरा, इसकी जो कीमत है वो इन दोनों सिक्कों में थोड़ा सा अंतर होता है। किसी भी सिक्के की कीमत उसकी कंडीशन के हिसाब से होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सिक्का जो आप देख पा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कंटिन्यूस लीजेंड, इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 1500 से 2000 रुपये। और अगर उससे भी अच्छी कंडीशन में है, जिस कंडीशन में मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, इस कंडीशन में 1500 से 2000, और अगर इससे भी बेटर कंडीशन में है तो 2000 से 3000 रुपये। ये देख लीजिए दोस्तों। और इस वाले सिक्के की कीमत है 1200 से 1500 रुपये, और अगर ये अच्छी कंडीशन में है तो इसकी सही कीमत है 2000 से 3000 रुपये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें जो जानकारी आपको दी गई वो कितनी लाभदायक थी? और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर कमेंट करें, हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।